आप लोग स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कि यह है कालीचरण महाराज। और ये काफी अभी चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक धर्म संसद आयोजित की जा रही थी और इसमें आपने देखा है कि गांधी जी को लेकर इन्होंने कुछ शब्द बोले और उस पर लोगों ने आपत्ति दर्ज की और इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और इन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। तो आज हम लोग अभी कालीचरण महाराज यानी कि अभिजीत सराग के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि आखिर इनका जन्म कहाँ होता है, असली नाम क्या है इनका, और ये कितने पढ़े लिखे हैं जो गांधी जी के बारे में जानते हैं इतना या नाथूराम गोडसे के बारे में जानते हैं, इनकी शिक्षा कितनी है। और आपको बता दूं ये अपने आप को काली माता का पुत्र भी कहते हैं। और ये पहली बार चर्चा में कब आए थे, सुर्खियों में कब आए, और एक राजनेता भी आप लोग कह सकते हैं क्योंकि ये चुनाव भी लड़ चुके हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रही होगी इनकी पिक्चर। इस तरह से बाल खुले रखते हैं, एक बिंदी लगाए रहते हैं और इस तरह से मालाएं भी ये डाले रहते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि रायपुर में जो धर्म संसद हुई इसमें कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को लेकर एक बयान दिया हुआ था और महात्मा गांधी पर आपत्ति टिप्पणी की इन्होंने। और उसके बाद आपने देखा है कि कांग्रेस हो या अन्य कई राजनीतिक पार्टियां हो, उन्होंने इन पर FIR भी करवाई नेताओं ने और रायपुर पुलिस ने इन्हें खजुराहो से गिरफ्तार भी कर लिया है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक आपका खजुराहो शहर पड़ता है, सिटी पड़ता है, ये आपका छतरपुर जिले में पड़ता है, यहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है। और चंदेल शासकों के लिए आप देखते हैं कि मंदिर भी बनवाए हैं हुए हैं खजुराहो के। और उसके बाद आपने देखा है कि ट्विटर पर आप देख लीजिए या इनके समर्थन में लोग उतरे हुए हैं और ट्विटर पर तो ट्रेंड भी करवाया जा रहा है। और इनके खिलाफ कालीचरण के खिलाफ रायपुर में 505-2 और धारा 294 के तहत केस दर्ज किया गया था। अगर हम लोग इनकी जन्म की बात करें तो 1973 में कालीचरण का जन्म होता है और अकोला महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और आपको बता दूं कि इनका असली नाम अभिजीत सराग है। क्या है? अभिजीत सराग है और ये महाराष्ट्र के अकोला जिले के रहने वाले हैं और उनका बचपन शिवाजी नगर के भौसर पंच बंगला इलाके की गलियों में गुजरा। और कालीचरण महाराज के रिश्तेदार बताते हैं कि केवल वो 8वीं तक पढ़े लिखे हैं, यानी कि आप लोगों को ये भी मालूम चल गया होगा कि कितने अधिक पढ़े लिखे हैं जो गांधी के बारे में इतना कुछ जानते हैं, गौडसे के बारे में इतना कुछ जानते हैं, भारत की आजादी के बारे में इतना कुछ जानते हैं। ठीक है, उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था, वह बचपन से ही धार्मिक किताबों में पढ़ते थे। उसके बाद कालीचरण महाराज धर्मशास्त्र का अध्ययन करने में जुट गए। ठीक है, और खुद को आपको बताया कि खुद को काली माता का पुत्र और भक्त बताते हैं। कालीचरण ने एक इंटरव्यू दिया हुआ था और उसमें उन्होंने काली माता का भक्त और पुत्र कहा था और वह बताते हैं कि अगस्त मुनि का शिष्य मानते हैं अपने आप को। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बचपन में हुआ एक एक्सीडेंट हुआ उनके साथ और उनका एक पैर टूट गया। इसके बाद कहते हैं कि स्वयं काली माता ने आकर उन्हें ठीक किया था और बार बार वो किस्सा ये सुनाते भी रहते हैं कि उनके सपने में एक तरह से आप कहिए या उनके सामने काली माता आती रहती हैं, उन्हें दर्शन देती रहती हैं। और 45 साल के आप देखेंगे कालीचरण के लगभग 6,000 के करीब, अब तो आप देखेंगे इनकी विचारधारा को जो सपोर्ट करने वाले होंगे वो भी इनके शिष्य बन गए होंगे। तो ये कालीचरण के शिष्यों की बात हो रही है। जैसा कि आपको बताया कि अकोला से चुनाव में भी उतर चुके हैं कालीचरण। 2017 में कालीचरण अकोला में नगर निगम के चुनाव में भी उतरे थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और आपको बता दूं 2017 से ही उन्होंने राजनीति करना शुरू किया था और फिर आप देखेंगे 2019 में उन्हें विधानसभा चुनाव में अकोला पश्चिम सीट से उनके उम्मीदवार होने की बड़ी चर्चा थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और इन्होंने भैयूजी महाराज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इनके शिष्य, इनसे इन्होंने दीक्षा ली हुई है, कई लोग दीक्षा लेते हैं ना। कालीचरण और अभिजीत सारंग शिवाजी नगर परिषद स्कूल में 8वीं क्लास तक पढ़े और पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण उनके माता पिता ने अपनी बहन यानी कालीचरण की को मौसी के यहाँ इंदौर भेज दिया था। और आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, यहीं पर वह मराठी से हिंदी बोलना सीखे
और इसके अलावा संत भय्यू जी महाराज के आश्रम में जाने लगे और वहां के काम में उनकी रुचि आने लगी, और यहीं से भय्यू जी महाराज की गुरु पर एक तरह से इनके शिष्य बन जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे अभिजीत सराह कालीचरण महाराज के नाम से जाने जाने लगते हैं इस समय। और आपको बताया कि माथे पर लाल बिंदी लगाते हैं, और कई साल तक इंदौर में रहने के दौरान कालीचरण ने एक अनूठी वेशभूषा अपनाई और जल्द ही लोगों में फेमस हो गए। और कालीचरण हमेशा खुले बाल रखते हैं, माथे पर लाल रंग की बड़ी बिंदी भी लगाते हैं और लाल कपड़े भी पहनते हैं। हल्की दाढ़ी, रुद्राक्ष की माला उनकी पहचान में शामिल है। और कालीचरण अपने आप को फिटनेस को मेंटेन करने के लिए रोजाना जिम वर्कआउट भी करते हैं, और सोशल मीडिया पर आप देखिए काफ़ी ये छाए भी रहते हैं। क्या रहते हैं? छाए भी रहते हैं। पहली बार आपको बताऊं कि अगर इनकी कालीचरण की यानी कि अभिजीत सराग की, तो ये पहली बार चर्चा में आए थे शिव तांडव से। आप लोगों ने मध्य प्रदेश के रायसेन में एक शिव मंदिर देखा होगा, भोजपुर, यहाँ इन्होंने एक शिव तांडव किया हुआ था। और इसी में आप देखेंगे काफी ये वायरल भी हुए थे और लोगों को काफी ये पसंद भी आए हुए थे। जब उन्होंने शिव तांडव का पाठ किया था, वो बीते वर्ष यानी कि रायसेन के शिव मंदिर में उन्होंने इसका पाठ किया था। और कालीचरण महाराज खुद को कालीपुत्र बताते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कालीचरण महाराज को लेकर समय समय पर खबरें भी आती रहती हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो कालीचरण महाराज को समर्थन भी देते हैं, और अभी अभी आप देख रहे हैं कि गिरफ्तारी के बाद भी इन्हें समर्थन दिया जा रहा है। और आपको बता दूं, एक पार्टी को लेकर एक काफी पक्ष में रहते हैं उसकी, और आप देखेंगे कि काफी हिंदुओं से कहते रहते हैं कि ये सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट लोगों को ही वोट दें। और उन्हें हिंदू माता बहनों से कहना चाहूंगा कि वो किसी भी जाति की हो, घर से बाहर निकले और हिंदुत्व को वोट करें। और मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी पार्टी की ये बात करते हैं। अगर मेरा देखिए कोई अगर कुछ पूछे, अगर मेरी राय पूछे, तो मैं यहां एक ही बात कहूंगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, वो सही गलत का फैसला कर सकें। और मुझे लगता है कि आप अगर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तो अपनी धार्मिक किताबें उन्हें पढ़ने के लिए दीजिए, और वो इतना तो कम से कम समझ सकें कि सही क्या है, गलत क्या है। और जिन्हें गांधी और या गौड़से के बारे में कुछ भ्रम है, तो मुझे लगता है कि दोनों गांधी जी की आत्मकथा पढ़ लेनी चाहिए और गौड़से को भी पढ़ लेना चाहिए। और एक बात और बोलूंगा कि आप लोगों को कम से कम देखिए, गांधी जी या गौड़से को मानने वाले हैं, दोनों को आप देख भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दूसरे को गाली देना ये गलत है। अपने का समर्थन करना, दूसरे को गाली देना, ये गलत है। और वो कहावत है ना कि अशोक के समय आप लोग जाइए, सम्राट अशोक के समय, कि अगर अगर हम लोग किसी अपने अपने धर्म को उठाने की बात करते हैं, अपने धर्म को प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता आपको है, मौलिक अधिकार हो, लेकिन हम अगर दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते हैं, तो असल में वहां हम अपने धर्म को नीचे गिरा रहे होते हैं। और गांधी जी देखिए हार्ड मास के वो भी बने हुए थे, उनसे भी गलतियां हुई हैं, और उनको लेकर आप देख रहे हैं कि उनकी आलोचना भी होती रहती है। और मुझे लगता है कि सबकी आलोचना होगी अगर आप गलत करते हैं, सही करते हैं। लेकिन आप फिर से एक बार अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाइए। मैं कहता हूं कि दो वक्त की रोटी कम कर दीजिए, एक वक्त आप लोग पहनना, सस्ते कपड़े पहन लीजिए, फटी हालत में रह लीजिए, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। और आप देखिए कि इस तरह के धर्म गुरु हों या आप देखिए नेता हों, आपके आपके बच्चों को ही बगलाकर फुसलाकर ढकेल देते हैं, और उसका भुगतान आपको और आपके बच्चों को करना पड़ता है। उनके बच्चे VIP स्कूल में पढ़ते हैं और विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए, और आपके बच्चों की क्या स्थिति रहती है दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं। खैर, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, इस तरह के जो भी शब्द हैं आप लोग परिचित हैं, वो काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, तो आप लोग फैसला करते रहिए।